नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडस्ट्रीक इंडिया पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग को लेके। आज हम देखेंगे कि ऑटोमोटिव पेंट्स में कौन कौन से टेस्टिंग की जाती है और जो भी पार्ट पेंट किए जाते हैं उस पर टेस्टिंग कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ रॉ पेंट। किसी भी इंडस्ट्री में जो भी रॉ पेंट यूज किया जाता है उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद जो पार्ट पेंट हो जाता है तो उसके कोटिंग के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम पेंटेड कंपोनेंट की टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जो पेंटिंग किए गए पार्ट पे जो हम टेस्टिंग करते हैं यानी कि कोटिंग परफॉर्मेंस को जो चेक करते हैं उसको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करें कि इसमें अगर देखें कौन कौन से मेथड हैं तो इसमें सबसे पहले ये निकल के आता है कि फिजिकल एंड मैकेनिकल टेस्ट होता है। फिजिकल एंड मैकेनिकल टेस्ट में भी हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। और उसके बाद आता है केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट। तो केमिकल रेजिस्टेंस में कुछ केमिकल के थ्रू इमर्ज करके या फिर उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हम ऐसे पार्ट्स को चेक करते हैं यानी कि पार्ट के कोटिंग के परफॉर्मेंस की चेकिंग करते हैं। उसके बाद आता है कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस को भी हम चेक करते हैं। खास तौर पे यह मेटल के पार्ट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है यह टेस्ट, क्योंकि हम इसको प्लास्टिक पार्ट्स पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक पार्ट में रस्ट नहीं लगता है। उसके बाद हम देखेंगे एजिंग टेस्ट के बारे में। अगर हम फिजिकल एंड मैकेनिकल टेस्ट में देखें तो पेंटिंग कंपोनेंट को जो टेस्ट किया जाता है इसमें फिजिकल एंड मैकेनिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कि अपीयरेंस वाइज चेक करना, विजुअल इवेल्युएशन ऑफ अपीयरेंस। इसमें अपीयरेंस वाइज देखते हैं और उसके बाद से ग्लॉस मेजरमेंट यानी कि ग्लॉस की चेकिंग की जाती है, स्पेकुलर ग्लॉस मेजरमेंट। और इस पेंटेड कंपोनेंट का हम DOI भी चेक करते हैं जो होता है डिस्टिंक्टनेस ऑफ इमेज। और सबसे जो प्राइमरी इसमें चेकिंग होती है, जो सबसे मेन चीज़ होता है वो होती है शेड मैचिंग यानी कि कलर मैचिंग करना। जो कलर इवेल्युएट करते हैं विजुअली तो उसकी चेकिंग की जाती है। और फिर इसके अंदर आता है कि उसके ड्राई फिल्म थिकनेस को चेक करना है यानी जो पेंट की हुई रहती है, किसी अगर पेंटेड कंपोनेंट की बात करें अगर उस पर कोई पेंटिंग की गई है तो पेंटिंग की थिकनेस कितनी है, जो कोटिंग अप्लाई की गई है उसकी थिकनेस कितनी है उसको चेक करते हैं। तो उसको हम DFT कह सकते हैं, ड्राई फिल्म थिकनेस बोला जाता है उसको। और उसके बाद अडहेशन टेस्ट भी उसका किया जाता है। अडहेशन टेप को हम टेप टेस्ट या फिर क्रॉस कट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद होता है पेंसिल हार्डनेस टेस्ट। इसमें पेंसिल के थ्रू, अलग अलग पेंसिल के थ्रू हम उसकी हार्डनेस को चेक करते हैं। इन सब पे हम डीपली बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम सिर्फ यहाँ पे मैकेनिकल एंड फिजिकल टेस्ट को लेके बात कर रहे हैं कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है। फिर उसके बाद से इम्पैक्ट टेस्टिंग होती है और बेंडिंग टेस्ट और कॉनिकल मैंड्रल टेस्ट भी होता है। स्टोन चिप रेजिस्टेंस टेस्ट भी होता है और स्टीम जेट टेस्ट, अब्रेशन रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, हॉट कोल्ड रेपिटेशन रेजिस्टेंस। यानी कि हमने देखा फिजिकल एंड मैकेनिकल टेस्ट में क्या क्या आते हैं, पेंटेड कंपोनेंट के लिए क्या क्या फिजिकल एंड मैकेनिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट होती है उसको हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट के बारे में। जो पेंट किए हुए पार्ट रहते हैं उस पर अगर केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें जो होता है केमिकल के थ्रू यानी कि किसी केमिकल में डिप करके या फिर केमिकल को ड्रॉप बाय ड्रॉप करके पार्ट के ऊपर हम कोटिंग परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। जिसमें अगर देखें तो जाइलिन रेजिस्टेंस होता है, ये रबिंग टेस्ट होता है और ये ड्रॉप टेस्ट भी होता है। और उसके बाद देखेंगे एसिड रेजिस्टेंस, अल्कैली रेजिस्टेंस, गैसोलीन रेजिस्टेंस भी होता है। गैसोलीन रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक पेट्रोल रेजिस्टेंस होता है, ये 100% प्योर पेट्रोल होता है। और गैसोल रेजिस्टेंस टेस्ट होता है। गैसोल रेजिस्टेंस में मेनली इसमें एथेनॉल प्लस पेट्रोल का यह मिक्सचर होता है। वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो दोनों के रेशियो को क्या रखता है यानी कि पेट्रोल का रेशियो क्या है और एथेनॉल का रेशियो क्या है। मोस्टली ये 80-20 या 90-10 के रेशियो में चलता है कि अगर 90% पेट्रोल है तो 10% उसमें एथेनॉल मिक्स करके फिर पार्ट्स की जो कोटिंग की गई पार्ट है उसको चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद से हॉट वाटर रेजिस्टेंस होता है, इसको वाटर इमर्जेंट टेस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद से ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंस होती है यानी कि मॉइस्चर रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। फिर आता है डिटर्जेंट रेजिस्टेंस।
तो ये हमने देखा केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो कितने हैं, किस टाइप के हैं, इन सब पे हम बाद में बात करेंगे डीपली कि किस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या स्टैंडर्ड अप्लाइड होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कोरोजन रेजिस्टेंस टेस्ट को लेके। कोरोजन रेजिस्टेंस टेस्ट में देखेंगे न्यूट्रल साल्ट स्प्रे टेस्ट, ये SST होता है, और एसिटिक एसिड साल्ट स्प्रे टेस्ट भी होता है, और कॉपर एसिलरेटेड एसिटिक एसिड साल्ट स्प्रे टेस्ट भी होता है, जिसको CAS के नाम से भी जानते हैं, CASS। वाटर इमर्जन रेजिस्टेंस भी होता है। और इसके बाद हम देखेंगे एजिंग टेस्ट क्या होता है। एजिंग टेस्ट में जनरली हम वेदरिंग रेजिस्टेंस को परफॉर्म करके देखते हैं कि जो कोटिंग किए हुए पार्ट की परफॉर्मेंस है उसका वेदर रेजिस्टेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सेलरेटेड वेदरिंग रेजिस्टेंस जिसको हम आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, ये जीनॉन आर्क सिस्टम पे बेस होता है, यानी कि इसमें जीनॉन आर्क लैंप होता है उसकी टेस्टिंग की जाती है। और उसके बाद से जो होता है दूसरा नेचुरल वेदरिंग रेजिस्टेंस होता है जिसको हम ड्यूरेबिलिटी रेजिस्टेंस या फिर आउटडोर एक्सपोजर रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसमें पार्ट्स को जो पेंटिंग किए हुए पार्ट रहते हैं उनको नेचर में ऐसे ही मतलब आसमान के नीचे खुले आसमान में ऐसे मतलब मॉनिटरिंग के लिए छोड़ दिया जाता है और उसको हम मॉनिटरिंग करते हैं कि उसकी डलनेस तो नहीं हो रही या फिर पार्ट पे कोई डिफेक्ट जनरेट तो नहीं हो रहा है या फिर उसके ब्लिस्टर तो नहीं बन रहे, बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं, इसको हम बाद में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हम टेस्टिंग को लेकर बात कर रहे हैं कि क्या क्या टेस्टिंग किसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं विजुअल इवेल्युएशन ऑफ अपीयरेंस के बारे में कि किसी भी पार्ट को अगर विजुअली हम अपीयरेंस वाइज अगर चेक करते हैं तो हमें क्या चेक करना होता है। तो पेंट किए हुए पार्ट के विजुअल अपीयरेंस की अगर बात करें तो पेंट के विजुअल अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए कई तरह के वर्ड यूज किए जा सकते हैं, जैसे ग्लॉसी फिनिश, मैट फिनिश, वेट लुक, अनकवर, ड्राई, सैगिंग, पेंट फ्लो, मॉटलिंग, ऑरेंज पील, हैजीनेस और पैच मार्क, डलनेस, सिसिंग, पिनहोल्स, ओवर स्प्रे। ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम एक डिफेक्ट्स के रूप में हमने डिफाइन किया हुआ है पेंट इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से हम विजुअल अपीयरेंस को इवेलुएट कर सकते हैं, अपीयरेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर देखें तो कलर और अपीयरेंस को भी निष्पक्ष रूप से मापने योग्य होना चाहिए, क्योंकि ये लाइट के सोर्स और लाइट के फोकस और सरफेस की कंडीशन जैसे मटेरियल और सरफेस स्ट्रक्चर और खुद के देखने की कंडीशन पर डिपेंड करता है। देखने की कंडीशन के आधार पर हमारी आंख का ध्यान पार्ट के सरफेस या पार्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट किए गए पार्ट के इमेज पर होता है। किसी पार्ट्स की रिफ्लेक्ट की हुई इमेज पर फोकस करके हम सरफेस की इमेज फॉर्मिंग कैपेबिलिटीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक रिफ्लेक्ट की हुई लाइट सोर्स ब्रिलियंट या डिफ्यूज रूप से दिखाई दे सकती है और जो इसकी आउटलाइन होती है यानी रूपरेखा जो होती है वो डिस्टिंक्ट या ब्लर, ब्लर मतलब धुंधली दिखाई दे सकती है। किसी पार्ट के सरफेस पर फोकस करके सरफेस की स्ट्रक्चर, उसके शेप और उसके डेप्थ को समझ सकते हैं, जो ब्रश या स्प्रे के मार्क्स की वेविनेस डायरेक्शन जैसी योगदान, मतलब जो वेविनेस होती है या फिर डायरेक्शन होता है स्प्रे या फिर ब्रश के थ्रू जो उस पर मार्क्स आते हैं, तो जैसी चीज़ों का इसमें योगदान करती है। अगर हम इसमें देखें तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंट की हुई व्हीकल है, तो इस पर आप देख सकते हैं कि इमेज का रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। एक ऑरेंज पिल टाइप का एक डिफेक्ट्स है अपीयरेंस वाइज अगर देखें तो आप इसमें समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज फॉर्मिंग क्वालिटी को यहाँ पे कैसे दिखाया गया है कि एक लाइट सोर्स पड़ रहा है फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेविनेस और ऑरेंज फील को दिखाया गया यहाँ पे सरफेस को लेके। इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम विजुअल इवेल्युएशन ऑफ अपीयरेंस सिर्फ एक ही टेस्टिंग को इसमें देखेंगे कि हम कैसे करते हैं विजुअल इवेल्युएशन किसी भी अपीयरेंस को, किसी भी पेंट किए हुए पार्ट को। हालांकि एक्सपीरियंस से पता चलता है कि इसका ग्लॉस के लिए कोई सिंगल मेजरमेंट नहीं है जिससे कि परफेक्ट कोरिलेशन के साथ इसको अचीव किया जा सके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये रहा हमारे स्पेसिफिकेशंस और टेस्टिंग को लेके,
हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सभी जो टेस्टिंग है उसको, एक एक टेस्टिंग को लेके हम बात करेंगे, डीपली देखेंगे कि क्या स्टैंडर्ड यूज किया जाता है आजकल इंडस्ट्रियों में, कौन से स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं और किस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और पर्सनली हमारे लाइफ में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे अगर हम उसको यूज करते हैं तो हम हमारे लिए क्या उसका इम्पोर्टेंस है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक इंडस्टेक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जो भी वीडियो मैं नई वीडियोज़ बनाऊँगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी तो आप वीडियो को देख सकते हैं वहाँ से। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई आपको डाउट है या फिर कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन है किसी तरीके का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पे रिप्लाई करूँगा और रिप्लाई करके मैं कोशिश करूँगा आपके उस डाउट को या फिर क्वेश्चन का मतलब आंसर कर सकूँ। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।